नेता विपक्ष गप्पू क्या एक विदेशी नागरिक है? ये सवाल कई दफा उठा है। सब एक्चुअली जाने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सच है तो है क्या। इंडिया अलायंस के तारनहार और आंखों के तारे गप्पू जी को कोर्ट में इसी मामले में घसीटा गया है, और इन्हें घसीटने वाले कोई और नहीं, एक जमाने में कांग्रेस के बहुत करीबी रहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। सबसे पहले जानते हैं संक्षिप्त में कि ये पूरा मामला क्या है और क्या है एक्चुअली ये केस। होम मिनिस्ट्री को एक दस्तावेज दी थी जो मैंने लंदन में कथा किया था, राहुल गांधी ने वहाँ एक कंपनी बनाई है बैक ऑप्स, उसमें उसने लिखा है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और अपने दस्तखत से लिखा है और दस्तखत के नीचे लिखा है। कभी विपक्ष तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में बयान देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की है। दरअसल पिछले ही सप्ताह सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है और इसके लिए अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने न्यायालय से गुजारिश की है कि हाईकोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को एक्शन लेने का आदेश दे और उनकी शिकायत पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो ये था इनका रीजनिंग गप्पू को कोर्ट में घसीटने का। जानते हैं क्या होगा अगर उनकी नागरिकता चली गई तो। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी के लेटर के बाद होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिस भी जारी किया था। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 9 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अगेंस्ट है और इसके तहत राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो रद्द हो जानी चाहिए। अब ये नियम है क्या वो भी थोड़ा जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो वो इस देश का नागरिक नहीं रह सकता है और उसे फिर भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये मेंशन है कि किसे भारत की नागरिकता मिलेगी और कौन कब इसके लिए एलिजिबल होगा। अब हम ये बात करते हैं कि कब किसी की भारतीय नागरिकता जो है वो रद्द हो सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जहां एक तरफ नागरिकता को लेकर नियम बताए गए हैं कि किसे किन हालातों में भारत की नागरिकता मिलेगी, तो इसी में इसके साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि कब किस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। इसमें अलग अलग कंडीशन मेंशन है, जिसमें पहला कंडीशन ये है कि भारत सरकार के पास भी ये अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति की सिटीजनशिप जो है वो रद्द कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है और सरकार के पास ऐसा करने की ठोस वजह होनी चाहिए। इसमें कई कंडीशन है कि कब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति वॉर के टाइम पर दुश्मन देश से हाथ मिला ले और गैर कानूनी तरीके से उनके साथ व्यापार करे तो उस सिचुएशन में उसकी नागरिकता जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके जो है वो दूसरे देश की नागरिकता ले या फिर वो लंबे समय तक किसी और देश में जेल में हो तो उन सब के कंडीशन में उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो उस व्यक्ति की जो नागरिकता है वो चली ही जाएगी, लेकिन इन सब सिचुएशन में उसकी नागरिकता जा सकती है। अब बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता छोड़ता है, तो अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो रद्द हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति खुद ये डिक्लेयर करता है कि वो अब भारतीय नागरिक नहीं रहना चाहता है, उसके लिए वो ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी जो उसकी भारतीय नागरिकता है वो चली जाती है, लेकिन उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये सभी कुछ ऐसे कंडीशन है जिन कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता है वो जा सकती है। तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें ये सारे नियम कानून जो है वो सब मेंशन है कि कब किस व्यक्ति को जो नागरिकता है वो मिलेगी, कब किस व्यक्ति की नागरिकता जो है वो जा सकती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वैसे तो ये केस कोर्ट में लंबित है, इस पे ज्यादा कमेंट करना या टिप्पणी करना माइट नॉट बी राइट। मैं तो वेट करूंगा ही, आप भी इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले का। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।